हेलो दोस्तों, स्वागत है और एक नए वीडियो में अपना गांव अपना शहर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों और एक शहर को, पत्थल गांव शहर, जो कि यह शहर और लगभग उप मुख्यालय भी है पत्थल गांव। तो पत्थल गांव देखते हैं, पत्थल गांव हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा। मैं भी पूरा सिटी नहीं देखा हूँ और आप लोग के साथ साथ में देखेंगे क्या क्या देखने को मिलता है पत्थल गांव सिटी और कैसा देखने को मिलता है, उसको देखते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग बस स्टैंड से ही। पत्थल गांव का बस स्टैंड ऐसे देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। और इस बस स्टैंड से हम लोग जसपुर से आ सकते हैं, रायगढ़ से आ सकते हैं और अंबिकापुर से भी आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो देख सकते हैं ऐसा देखने को मिलता है पत्थल गांव का बस स्टैंड, और ही एक मेन बस स्टैंड है पत्थल गांव का। और जब हम लोग यहाँ जस्ट पत्थल गांव से निकलेंगे तो चौक देखने को मिलता है और एक सीधा जाता है अंबिकापुर और बाएं साइड रायगढ़ और दाहिना साइड जसपुर। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अंबिकापुर वाला। तो बाएं साइड देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ लगता है स्कूल है, स्कूल देखने को मिल रहा है और कुछ बिल्डिंग ऐसे देखने को मिलता है। और किनारे किनारे में शायद दुकान हो सकता है। तो ऐसा शहर देखने को मिलता है। रोड के बाएं साइड और राइट साइड बस घर देखने को मिलेगा और कितना सुंदर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। कटा हुआ है बाएं साइड जाने के लिए, पता नहीं इधर कौन सा गांव बोलते हैं, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करना कौन सा गांव जाता है उस रोड में। और फिर हम लोग आगे जाएंगे तो आगे तक देखने को मिलता है पत्थल गांव, और आगे थोड़ा सा जाएंगे तो हम लोग को प्रताप उच्च मध्य विद्यालय देखने को मिलेगा पत्थल गांव का। और इधर देख सकते हैं रोड का रिपेयरिंग कार्य चल रहा है और एक जस्ट सामने लग रहा है यहीं है हाई स्कूल प्रताप उच्च मध्यालय विद्यालय पत्थल गांव का। और आगे जाएंगे तो आगे हम लोग को और एक चौक मिलेगा, बिटिया चौक बोलते हैं जिसको। तो यहाँ तक पत्थल गांव एरिया गिनाता है और यहीं पर बिटिया चौक है। तो यार जो सामने वाले बिटिया चौक और सामने मिशन स्कूल देखने को मिलेगा पत्थल गांव का। तो यहाँ से ऐसे नज़ारा देखने को मिलता है बिटिया चौक। अब दोस्तों फिर मैं आ गया हूँ वापस वहीं चौक में। तो अब चलते हैं रायगढ़ वाला रोड में। तो रायगढ़ वाला रोड में जाएंगे तो ऐसा घर देखने को मिलता है और इधर बाएं साइड देखेंगे तो कुछ कच्चा का मकान देखने को मिल रहा है छोटा छोटा, और यहाँ कुछ कुछ है। और सामने तक देख सकते हैं कितना सुंदर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इधर से देखेंगे तो ऐसा पूरा सिटी देखने को मिलता है, वहीं पर हम लोग को बस स्टैंड चौक मिल जाता है। तो ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, कितना सुंदर देखने को मिल रहा है पत्थल गांव शहर। छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा है। अब चलते हैं सीधा, यह है जसपुर जाने वाला रोड। तो बस स्टैंड के साथ ही लगा है जसपुर जाने वाला रोड, देख सकते हैं ऐसा देखने को मिल रहा है। और यहाँ कुछ मैदान है, लग रहा है कुछ कॉलेज या स्कूल हो सकता है। और यहाँ कुछ लग रहा है दोस्तों, यहाँ मार्केट बैठते हैं जैसे लग रहा है। छोटा छोटा घर देखने को मिल रहा है। तो आगे तक जाएंगे तो आगे हम लोग को कॉलेज मिल जाएगा, शासकीय कॉलेज और तहसील भी मिल जाएगा। तो ऐसा देखने को मिलता है पत्थल गांव शहर। तो दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है पत्थल गांव शहर, बहुत बड़ा तो नहीं दिखा लेकिन है बहुत बड़ा।
आप ड्रोन शॉट में छोटा सा देखने को मिलता है। तो आप लोग को कैसा लगा पत्थलगांव शहर कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन कौन पत्थलगांव से हैं आप लोग अगर अपने जगह का नाम पहचान रहे हैं तो कमेंट करके बताना कौन सा क्या जगह है। तो चलिए फिर दोस्तों, और आप लोग के साथ मिलता हूँ और एक शहर और एक गांव के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।